रहिका थाना क्षेत्र के सप्ताह गांव में हुए लड़की की हत्या मामले को खुलासा करते एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि प्रेमी ने ही प्रेमिका को गला दबाकर हत्या किया था। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी लड़की को शादी करने को कहा, लेकिन लड़की नहीं मानी, जिस कारण हत्या कर दी। रेखा देवी पति कमल राम सप्ता पार्वती टोल वार्ड नंबर 10 थाना रहिका के द्वारा रहिका थाना पर उपस्थित होकर अपनी पुत्री उषा कुमारी उम्र 18 वर्ष का अपहरण व बलात्कार कर हत्या करने व शव को दफना दिए जाने से संबंधित एक आवेदन दिया गया। आवेदन के आधार पर रहिका थाना ने आरोपी के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी के दौरान मधुबनी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों के सहयोग से कारगर छापेमारी करते हुए कांड के नामजद अभियुक्त कमलेश यादव पिता सहदेव यादव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मृतिका के मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान को बरामद कर जब्त किया गया है। सोलह सात 2024 को रात्रि 11 बजे के करीब सत्ता पार्वती टोला निवासी वादनी रेखा देवी द्वारा एक आवेदन किया गया रेखा पुलिस थाने में। उनकी पुत्री उषा कुमारी, उनका उम्र 18 वर्ष बताया गया, वो 15 तारीख को रात में बिना बताए गई हुई हैं और उनकी शंका थी कि किसी व्यक्ति ने उनका अपहरण करके ले लिया है, उनकी हत्या कर दी। उनके सूचना के आधार पर FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करके पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति पर उन्होंने शंका व्यक्त की थी उसको टेक्निकल सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त कमलेश कुमार ने अपने जुर्म को कबूल किया और उन्होंने अपने बयान में बताया कि उनका पुराना प्रेम प्रसंग था। प्रसंग के क्रम में ही लड़की और वे आपस में मिलकर भागना चाहते थे पर लड़की ने इनकार किया। इस घटनाक्रम में गला दबा के लड़की का हत्या कर दिया। हत्या करने से पहले उसके साथ को शारीरिक संबंध भी बनाया और पोखर के पास में रख के वो चला गया। बाद में पुलिस ने उसको बरामद किया, पोस्टमार्टम कराया गया है और मुख्य अभियुक्त जो है उसका वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको नए हिरासत में लिया गया। कितने